जो है हम फटाफट से चलते हैं प्लेटफार्म की ओर, और ये है एंट्री पॉइंट इसका। उधर हम लोग कामरूप से जाने वाले थे, कामरूप एक्सप्रेस से, वो अभी नहीं जा रहा है बिकॉज कहीं एक्सीडेंट हुआ है। तो तिनसुकिया से बेंगलुरु का एक ट्रेन है, उसमें हम लोग को बोला गया है बैठने के लिए। अपना रात का डिनर। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे। तो यार उधर से मैं साइकिल चला चला कर यार हालत खराब हो गया, एंड आधा रास्ता तक जो है मेरा भाई छोड़ दिया, एंड उसके बाद जो है अपना दोस्त लोग जो है पैदल ही लेके आया। उधर मैं वीडियो इसलिए नहीं शूट करा क्योंकि उधर अंधेरा था, पूरा टाउन ही अंधेरा था। चलो यार आज हम लोग ना चार बंदे, और चार बंदे कुछ अमेजिंग करने वाला, कहीं अलग जगह जाने वाले हैं। तो चलो यार मिलवा देता हूँ। तो ये है अपना सागर भाई और राहुल भाई, और इधर है अपना वर्मा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सब बढ़िया होगा। और सागर भाई कुछ कहना चाहेंगे, कहाँ जा रहे हैं भाई हम लोग? कहाँ जा रहे हैं? जगह तो कुछ नया नहीं है, जगह वही पुराना है गुवाहाटी, लेकिन फिर भी यार फिर भी चेंजेस है। एग्जाम के रिगार्डिंग जा रहे हैं, एग्जाम है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट। अभी जो है हम फटाफट से चलते हैं प्लेटफार्म की ओर, और ये है एंट्री पॉइंट इसका उधर। तो अभी हम अंदर की तरफ जाएंगे, यानी प्लेटफार्म की तरफ जाएंगे। हुआ क्या है कि जो हम लोग कामरूप से जाने वाले थे, कामरूप एक्सप्रेस से, वो अभी नहीं जा रहा है बिकॉज कहीं एक्सीडेंट हुआ है। तो तिनसुकिया से बेंगलुरु का एक ट्रेन है, उसमें हम लोग को बोला गया है बैठने के लिए, और वो ट्रेन जो है सिमलगुड़ी तक जाएगा। सिमलगुड़ी से जो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, वापस से हम लोग उसमें जाएंगे, कामरूप एक्सप्रेस में जाएंगे। तो अभी यार फटाफट से हम लोग चलते हैं अपने बोगी में, यानी जिसमें हमारा सीट था उसमें हम लोग चलते हैं। तो अभी जो हम ट्रेन में उठ गए हैं, और ट्रेन का जो टाइमिंग रहेगा हम लोग का वही रहेगा 7:40 ही रहेगा, एंड सिमलगुड़ी में जाके हम लोग को जो है वापस से हम लोग को सिमलगुड़ी में मतलब चेंज करना पड़ेगा ट्रेन को। अब जो है पूरा बॉडी जो है ठंडा ठंडा हो गया, मतलब ठंडा लग रहा है, अंदर से फील आ रहा है ठंडा ठंडा। और इन लोगों से भी पूछ लेता हूँ कि इन लोगों का क्या हाल है। सागर भाई क्या हाल है? मेरा टेम्परेचर तो अभी नॉर्मल है। अच्छा अभी नॉर्मल है। और वर्मा का क्या? सब कुछ बढ़िया चल रहा है, एसी में बैठे हैं, एसी का मजा ले रहे हैं, और क्या चाहिए। तो बंदा पूरा जोश में है, ठीक है, ये बंदा हमेशा जोश में ही रहता है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही जोश में लग रहा है। फाइनली अपन जो यार उतर गया सिमलगुड़ी। अब हम लोग थोड़ा जनरल यानी D2 का मज़ा लेंगे, AC का यार बहुत मज़ा ले लिया हम लोग। यार पूरा प्लेटफार्म जो है अभी पूरा भरा हुआ है, मतलब जितना भी पैसेंजर है सारा जो है कामरूप का पैसेंजर है, पूरा प्लेटफार्म जो है भरा पड़ा है। प्लेटफार्म पर जो है अभी ट्रेन भी जो है आ गया यार, ट्रेन आ गया। तो अब अपन जो है अपने बर्थ पर जो है बैठ गए लगेज, और अभी हम जो है टाइम हो चुका है, अभी मतलब 9:50 हो गया है, तो अभी हम डिनर कर लेंगे। मतलब डिनर भी नहीं करा था बिकॉज ट्रेन एक्सचेंज करना था, तो हम लोग डिनर नहीं करा था, लेकिन अब जाके जो है हम लोग डिनर करेंगे। और वर्मा जी इधर है, और ये नीचे में राहुल, ये अपना डिनर अपना निकाल लेता हूँ इस बैग में, पहले तो वाटर बॉटल यार निकालेंगे। तो अब जो है हम डिनर भी कर लिए, और मेरा थोड़ा तबीयत भी जो है मतलब सिक फीलिंग हो रहा है अंदर से, और वर्मा भी जो है डिनर कर लिया। क्या अभी सोना है ना, जगना है? अब एक दो घंटे जागेंगे, उसके बाद तो सोएंगे। अभी टाइम हो गया 10:20 हो रहा है, तो क्या जगना है? एक दो घंटे जागेंगे यार, इतना जो थोड़ी से जाएंगे ट्रेन में। अच्छा तो ये बंदा जो है जगेगा, मैं तो यार सोऊंगा, क्योंकि मुझे जो है मतलब अंदर से सिक भी फील हो रहा है। तो मैं अभी जा रहा हूँ अपने बेड पे, एंड जाकर यार सोएंगे। तो गाइस सब अपन आ चुके हैं सोने के लिए, और अपना ये बेड भी लग चुका है,
तो अब अपन सोएंगे और मैं आप लोगों को बता दिया हूँ कि ना मुझे जो है अंदर से सिक फील हो रहा है, तो मैं अभी सोऊंगा और कल सुबह शायद ट्रेन है 8 बजे पहुँचेगा कामरूप एक्सप्रेस से, तो 8 बजे इसका टाइमिंग है शायद। तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ और इधर देख सकते हो वर्मा भी इधर सो रहा है, मतलब बंदा अभी मोबाइल में पूरा बिजी है, कब से कहा 12 के बाद ही वो बंदा सोएगा। तो मैं तो यार जा रहा हूँ सोने के लिए, चलो यार आप लोग भी सो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ सोने। आप सभी को मेरे तरफ से शुभ रात्रि, मिलते हैं नए सवेरे के साथ। गुड मॉर्निंग यार सभी को, आप सभी को यार गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और कल रात को मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे जो है अंदर से सिक फील हो रहा है यार, 12 बजे के बाद जो मेरा हालत ख़राब हुआ ना, अभी तक वही हाल है। और अभी मैं गुवाहाटी जाऊंगा तो वहाँ पर जो है दवा लूँगा। मैंने हुआ क्या है, फेवर से पूरा पाँव मतलब पूरा बॉडी पेन कर रहा है और माथा तो इतना दर्द कर रहा है कि मैंने ये रात को बांध रखा था। मैंने ना हैंकी बांध रखा था सर में, ये वाला फोल्ड करके जो है हैंकी बांध रखा था यार, सर इतना जोर से दर्द कर रहा था मत ही पूछो। तो यार सॉरी गाइस, मैंने सोचा रहा कि आप लोगों को इस वाले ब्लॉग में जो है एंटरटेनमेंट कराऊंगा, लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी अभी हम गुवाहाटी जाएंगे, लेकिन वहाँ पर जो है जाकर अपन जो है मेडिसिन वगैरह थोड़ा लेंगे, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम भी है तो उसको लेकर यार पूरा एकदम फिट होना पड़ेगा हमको, नहीं तो यार एग्ज़ाम में ही निकल जाएगा, मेरा आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा इधर। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट गुवाहाटी। तो गाइस हम लोग मॉर्निंग के 7:30 में जो है गुवाहाटी पहुँचे, और मैं उस समय इस हालत में नहीं था कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ, मतलब हालत यार इतना बुरा हो गया था, इतना बुरा हो गया था कि मैं खुद से चल भी नहीं पा रहा था, मतलब अपना जो लगेज है वो मेरा दोस्त मतलब उठा के ले आ रहा था, मतलब ऐसा हाल हो गया था। बुखार बहुत ही तेज था, रात को 10-11 बजे के बाद जो बुखार आया ना रात में यार सही से मैं सोया नहीं हूँ, मतलब कभी बॉडी पेन कर रहा है, कभी यार सर, कभी हाथ दर्द कर रहा है, तो यार बहुत ही गंदा हालत हो रखा था। बाद में मॉर्निंग में इधर पलटन बाजार में 8:30 या 9 के बीच में जो है फार्मेसी खुला है, वहाँ से एंटीबायोटिक और बुखार के टेबलेट लाया हूँ, वो खाने के बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्स फील मिला है। तो अभी हम सोचता हूँ कि थोड़ा यार बाहर भी हम लोग घूमने चले, थोड़ा आप लोगों को बाहर का नज़ारा भी आप लोगों को मैं दिखा दूँ, ताकि आप लोगों को भी थोड़ा इन्जॉयमेंट हो जाए, क्योंकि यार मैं मॉर्निंग में इस हालत में नहीं था यार कि वीडियो में रिकॉर्ड कर पाऊँ या बना पाऊँ, कुछ भी नहीं, फेस कैम तो छोड़ो यार, पीछे कैमरा से भी मैं बनाने का होश में नहीं था, ऐसा हाल हो गया था। तो अभी भी जो है मेरा मतलब उतना सही नहीं है, अभी भी मेरा तबीयत जो है उतना सही नहीं है, मतलब मिला जुला के ठीक है। तो दिक्कत यही है कि कल यार एग्ज़ाम है, अगर एग्ज़ाम नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं रहता, तो अपन जो है दवा ले लिए एंड देखते हैं कल एग्ज़ाम में क्या होता है। तो चलो अब हम चलते हैं। तो अभी हम दवा खाकर जो है बाहर आ गए हैं और इधर पानी भी हल्का फुल्का जो है गिर रहा है। तो अभी हम फैंसी बाज़ार की तरफ आए हुए थे, लेकिन फैंसी बाज़ार का इधर में जो है बारिश को लेकर जो है मतलब बिखरा पड़ा हुआ है मार्केट। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ एंड उधर यार जो कुछ भी मिलेगा वो चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी हम आ चुके हैं गेटवे अपर आसाम में और यहाँ पे एंट्री फीस एडल्ट का 5 रुपया, चिंडन का 2 रुपया और कैमरा का 10 रुपया। अपने रूम में आ चुके हैं और अभी भी जो है मेरा तबीयत मतलब अंदर से सही नहीं लग रहा है, फिर भी यार इस वीडियो को यार कंप्लीट करना है। और राजेंद्र बताए कि हम लोग आज कहाँ कहाँ घूमा, राजेंद्र तो आज हम लोग कहाँ कहाँ घूमा? वैसे कोविड के सिचुएशन के लिए चारों तरफ बंद ही था और ब्रह्मपुत्र का बगल अगल में थोड़ा घूम लिया और पार्कुर में गए थे तो बंदी मिला तो फिर रिटर्न हम लोग आ गए। आज मतलब हम लोग 2-3 जगह से घूम के आया, ठीक है, पैसा भी खर्चा हुआ लेकिन घूमने को नहीं मिला। तो मन में कैसा लग रहा है? मन में थोड़ा दुखी लग रहा है, परंतु क्या करें, हम लोग को भी तो कोविड का प्रोटोकॉल मानना पड़ेगा ना। या सही है,
लेकिन देखो इधर में ना मतलब बोला जाए तो यार आप लोग अगर टाउन में देखोगे तो सभी लोग जो है विदाउट मास्क का दिख रहे हैं आप लोगों को। ये है अपना रात का डिनर, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है दही ले लिया है, मीठा दही है, एंड रोटी जो है यहाँ पर 5 रुपीज़ करके दिया है, और इस वाले दही का जो है 35 लिया है। ये कितना का लिया है? इसका 15 रुपया है और ये सबका 5 रुपये का, मतलब 20 रुपीज़ का ये है, दही 35 एंड रोटी 5 रुपये पीस का लिया है। तो अब हम लोग का जो है मतलब डिनर करके आज सो जाऊंगा, कल जाके मॉर्निंग में एग्जाम देना है हम लोग को। आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड करता हूँ, बाकी आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब और शेयर कर देना, लाइक जरूर करिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।